सजमा किचन में आपका स्वागत है। आज सजमा किचन में पटाटो की डिश बन रही है, आइए शुरू करते हैं। हमने आलू लिए थे 500 ग्राम, जिनको बॉईल करके फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लिए हैं। अब इनका छिलटा अच्छे से निकालेंगे। आलू अच्छे से छिल गए हैं, अब हम इसकी मदद से अच्छे से आलू को फोड़ लेंगे। इस तरीके से दो आलू कच्चे लिए हैं हमने, अब इनको कद्दूकस से अच्छे से घिसेंगे। इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये दो आलू कद्दूकस करके डाले थे वो भी इसमें डालेंगे। एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे। 10 से 5 मिर्ची जो चॉप करके रखी है वो डालेंगे, हरी मिर्ची। इस स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी। और ये कॉर्नफ्लोर है जिसको 4 से 5 चम्मच डालेंगे, क्रिस्पी हो जाते हैं कॉर्नफ्लोर से। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चकोटी पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर धीरे धीरे हाथ से हमको इसको बेलना है। मैदा भुरभुरा कर ये इतनी मोटी हमको लहर रखना पड़ेगा। अब आसपास का हम ये सब काट देंगे। और अब पतले पतले ऐसे स्लाइस इसमें से हम करेंगे। इस तरीके से हमने इनको काट लिए हैं। अब एक एक करके ऑयल गरम किया है। देखिए ऑयल इतना रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा होना चाहिए कि ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो अब एक एक करके हम इनको डालेंगे इसमें। लो फ्लेम पे एकदम इसको क्रिस्पी करेंगे। बच्चों को घर में ये नाश्ता बनाकर देने से बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। इसको धीरे धीरे कर एक एक कर पलटाएंगे और लो फ्लेम पे इसको क्रिस्पी होने देंगे अच्छे से। देखिए इतना हमको इसको इतना कलर लाना है। अभी अच्छे से क्रिस्पी हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे आलू की स्नैक्स बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। और एक आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए आप भी बनाइए और कमेंट में लिख के बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।